तो स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक हाउस पे। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर कंपटीशन के इस दौर में, जैसा कि वन प्लस सीरीज जो वन प्लस के सारे फोन आते थे उन फ्लैगशिप के लिए फोन माना जाता था, तो उसे ही यहाँ पर सैमसंग की एम सीरीज काफी ज्यादा टक्कर दे रही है, क्योंकि कंपेरिजन कौन करने वाले हैं वन प्लस नोट का सैमसंग के M51 से। काफी ही प्राइस में सिमिलरिटी है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी डिफरेंस है। बिल्कुल वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लो, ताकि आने वाला कोई अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले साइज का। तो 6.4 इंच का ड्यूल पंच होल फुल बेजल लेस फुल डिस्प्ले व्यू हमें वन प्लस नोट में देखने को मिला, और सैमसंग के M51 में 6.7 इंच का एक पंच होल देखने को मिलता है। बड़ा सा डिस्प्ले साइज है, बीच में आपको एक सेंटर पंच होल देखने को मिल जाएगा। प्रोटेक्शन की बात करें दोनों ही डिस्प्ले के बारे में, तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको दोनों ही फोन में देखने को मिलता है। यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर सैमसंग और वन प्लस दोनों ने यहाँ पर किया है। और बात करें डिस्प्ले टाइप की, तो फ्लूड एमोलेड रेजोल्यूशन हमें वन प्लस नोट में देखने को मिला, वहीं सैमसंग M51 में सुपर एमोलेड रेजोल्यूशन की क्वालिटी इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले टाइप के साथ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बड़ा साइज का फोन है, बड़ा डिस्प्ले आपको ज़्यादा चाहिए तो M51 में आपको देखने को मिल जाएगा। कैमरा पिक्सल रेजोल्यूशन यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग से है, क्योंकि प्राइमरी लेंस जो 48 मेगापिक्सल है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है, 5 का डेप्थ सेंसर है, 2 का मैक्रो शॉट है, वो वन प्लस नोट में देखने को मिलता है। लेकिन पिक्सल रेजोल्यूशन थोड़ी कैपेसिटी आपको अच्छी 64 का प्राइमरी लेंस, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 5-5 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर और मैक्रो शॉट आपको सैमसंग के M51 में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हमें सैमसंग के A71 और A71S में देखने को मिले थे, लेकिन उनकी प्राइस थोड़ी सी इन दोनों फोन से ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक अच्छी प्राइस सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया फ़ोन M51 देखने को आपको मिलेगा। फ्रंट कैमरा की बात करें 32 की प्राइमरी सेल्फी प्लस 8 का अल्ट्रा वाइड एंगल आपको वन प्लस नोट में देखने को मिला, वहीं 32 मेगापिक्सल की प्राइमरी लेंस के साथ सेल्फी आपको सैमसंग के M51 में देखने को मिल जाती है। और परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फोन काफ़ी ही शानदार से हैं, क्योंकि एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ट दोनों ही फोन है, लेकिन स्नैपड्रैगन की क्वालिटी थोड़ी सी आपको बेटर वन प्लस नोट भी देखने को मिलती है, क्योंकि वन प्लस में सेंस आपको स्नैपड्रैगन 765G देखने को मिलता है, वहीं सैमसंग में स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिल जाता है। सैमसंग की एम सीरीज में आपको यहाँ पर बहुत सारे फोन ऐसे हैं जिसमें आपको स्नैपड्रैगन की क्वालिटी मिलती है, सैमसंग का खुद का प्रोसेसर यहाँ पर हटाकर काफ़ी बढ़िया काम यहाँ पर किया गया है। स्टोरेज वेरियंट आपको 6GB 64GB 8/128 और 12/256 वन प्लस नोट में देखने को मिलते हैं, 6GB 128GB और 8/128GB आपको सैमसंग M51 में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो मेमोरी की एक्सपेंडेबल क्वालिटी वो वहां पर आपको वन प्लस नॉन में देखने को नहीं मिलती, लेकिन सैमसंग में आप इस चीज को यहां पर बढ़ा सकते हैं, मतलब 2 नैनो सिम के साथ 1 माइक्रो एसडी कार्ड आप यहां पर यूज कर पाएंगे। बैटरी बैकअप के ही चक्कर में यहां पर मॉन्स्टर फोन यहां पर सैमसंग के M51 को कहा गया है, क्योंकि 4115 mAh की बैटरी आपको 30 वाट के चार्जर के साथ वन प्लस नॉन में देखने को मिलती है। और वहीं बात करें हम यहां पर सैमसंग के फोन की, तो 7000 mAh की बैटरी 25 वाट के चार्जर के साथ सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप वाला फोन अभी सैमसंग का M51 यहाँ पर बन चुका है। तो इसमें आपको यहाँ पर ये बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, मतलब 6000 तक तो यहाँ पर फोन ने एम सीरीज में दिया ही था, लेकिन इसे और एक्सटेंड करके 7000 mAh की बैटरी यहाँ पर कर दी है। प्राइस सेगमेंट यहाँ पर काफ़ी शॉक्ड है, तो इसलिए यहाँ पर वन प्लस किलर थोड़ा सा यहाँ पर जो है फ्लैगशिप किलर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि 6/64GB आपको 25,000 की कीमत में देखने को मिलता है, 8/128GB के लिए आपको 27,999 पे करना पड़ रहे हैं, लेकिन सैमसंग की बात करें तो 6/128GB 24,999 मतलब 25,000 की कीमत में देखने को मिलते हैं, और 8/128GB 26,999 27,000 की कीमत में देखने को मिल जाते हैं। कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है सैमसंग की, डिस्प्ले साइज आपको बड़ा है, प्रोसेसर के मामले में थोड़ा सा वन प्लस की तरफ हम बढ़ सकते हैं, लेकिन बैटरी बैकअप काफ़ी शानदार था आपका सैमसंग में देखने को मिल जाएगा। तो फिर आप कौन सी ब्रांड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाला कोई अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।